एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एंगेजमेंट मेकअप लुक। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्किन केयर से। तो सबसे पहले मैं फेस पे यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का फेस मिस्ट। उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ पॉन्ड्स की सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर। सो जब भी आप मेकअप करो, मेक श्योर कि सबसे पहले आप मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल ना भूलें। सो अब हमारे मेकअप का फर्स्ट स्टेप है प्राइमर। सो सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ एनवाई बे का ब्राइटनिंग प्राइमर। सो अब मैंने लिया है मेरे सेम शेड का कंसीलर और जहां जहां मुझे डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, वहां मैं इसे यूज करूंगी। सो अब हम लगाएंगे फाउंडेशन, जिसके लिए मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का हाई कवरेज फाउंडेशन और डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे मैं अप्लाई करूंगी। फिंगर की हेल्प से इस तरह से डॉट डॉट पहले कर लेंगे, उसके बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे। सब हम इसे वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। मैं यूज कर रही हूँ इनसाइड का HD कंसीलर और इसे मैं अपने अंडर आई पे लगाऊंगी और जहां जहां मुझे अपने फेस को हाईलाइट करना है वहां मैं इसे यूज करूंगी। सो अब मैं यूज कर रही हूँ क्रीम ब्लश जो कि अगेन है स्विस ब्यूटी का और इसे मैं अपने चिक्स पे लगाऊंगी। 1, 2, 3। तो अब मैं करूंगी कॉन्ट्रोरिंग, तो ज्यादा हैवी कॉन्ट्रोर नहीं करना है। पहले अपने नोज को ऐसे मेजर कर लेंगे, अब फोरहेड पे रखेंगे, यानी इतना पार्ट एक्स्ट्रा है, तो हम इसमें इस तरह से कॉन्ट्रोर करेंगे। नोज कंट्रोल करेंगे जो कि मैं अपनी फिंगर के हेल्प से ही कंट्रोल करूंगी। इस तरह से आप फिंगर से ज्यादा इजीली अपने नोज को कंट्रोल कर सकते हो। तो अब मैं यूज करूंगी सुगर कॉस्मेटिक का ब्लश और इसे चीक्स पे लगाऊंगी। आईब्रो फिल करने के लिए मैंने ली है स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल। तो सबसे पहले जो मैं शेड पिक कर रही हूँ वो है ब्लैक। तो अब मैं एक लाइट ब्राउन शेड लेके ब्लैक के ऊपर इसे इस तरह से ब्लेंड करूंगी। देन उसके बाद मैंने लगाया है ग्रीन कलर का आई शेडो एंड उसके ऊपर से मैं लगाऊंगी ग्रीन कलर का शिमर आई शेडो। इसके नीचे सेम आई शेडो हम अप्लाई करेंगे जो हमने अपने आई के ऊपर लगाया है। और अब मैं यूज करूंगी हाइलाइटर, इसे अपने आईब्रो के यहाँ नीचे लगाऊंगी, नोज पे लगाऊंगी। और अब मैं लगा रही हूँ हल्का सा व्हाइट काजल और अब मैं लगाऊंगी फॉल्स लैशेस, उसके साथ ही आईलाइनर लग जाएगा क्योंकि ये मैग्नेटिक आईलाइनर है, आईलैशेस है। अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक, तो पहले मैं लिप लाइनर यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का।
सो मेकअप हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब लास्ट में मैं यूज करूंगी एनवाई बे की सेटिंग स्प्रे। तो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक।